दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि आप बाजरे से कैसे जो है वो बनाएं, सेव कैसे बनाएं। दोस्तों मैंने जो है ये बाजरे का आटा है और ये मैंने ले लिया है एक कटोरी। तो कटोरी और ये पूरा मिला के 3 कटोरी दोस्तों है। दोस्तों बाजरा जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपके शहर में ये जो दोस्तों टेम्परेचर कम होने पर, यानी कि जैसे मान लीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर आपके शहर में चल रहा है, 15 चल रहा है, 20 चल रहा है, तभी आप इसको सेव जो है वो खा सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें तेल मिला लीजिए, 1-2 चम्मच 3 चम्मच मिला लीजिए जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा इसको सॉफ्ट बनाना है, इसलिए इसमें हम दोस्तों हल्दी, हल्दी दोस्तों हमारी ह्यूमिडिटी को बढ़ाती है और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। तो आप इसमें 2 चम्मच हल्दी मिला लीजिए। इसमें आप धनिया मिला लीजिए जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है दोस्तों, बढ़ने नहीं देता है। थोड़ा सा दोस्तों इसमें मेथी मिला सकते हैं आप दोस्तों। मेथी जो है दोस्तों वो डायबिटीज पर्सन जो है, जो लोग हैं उनको लिए बहुत फायदेमंद है। आप 2 चम्मच इसमें मिला सकते हैं। फिर उसके बाद आप दोस्तों इसमें भुना जीरा, वो जो हमारे हेल्थ को, जो हमारे पेट को सही रखता है, यानी कि हमारे जो स्टोमच है उसको अच्छा रखता है, उसके लिए आपको भुना जीरा भी मिलाना दोस्तों बहुत अच्छा है। इसमें दोस्तों आप हींग, ये तो आपको जरूर मिलानी है दोस्तों, हींग मिला लीजिए। फिर आप इसको खूब अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि इसको मिलाना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आप इसमें पानी पानी आप ले लीजिए और पानी को आपको इसको गूंथना है। तो आप इसको आप अच्छी तरह पहले आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि तेल काफी है या नहीं है। तेल आप ज्यादा और मिला सकते हैं, मतलब मुट्ठी बननी चाहिए आपकी। थोड़ा सा और तेल मिला लीजिए। देखिए इस तरह से भुरभुरा सा हो जाएगा ये तेल मिलाकर। फिर आप इसको, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप सुबह नाश्ते में खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्नैक है ये। फिर आप इसको आप दोस्तों मल लीजिए। मलने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, किस तरह से आपको इसको मलना है। दोस्तों अगर आप मान लीजिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आज भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आप जो है एक बात का ख्याल रखें, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप अपने शरीर पे दोस्तों नारियल तेल जरूर लगा लें, जैसे हाथ पैर पे लगा लें। तो इससे दोस्तों क्या है कि आपके इन्फेक्शन जो है वो नहीं चढ़ता है, यानी कि कोई भी वायरस नहीं आता है शरीर में और आप बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और दूसरा मैं आपको ये बता ही रही हूँ कि आपको अपने हेल्थ का, हेल्थ वाइज भी बहुत ख्याल रखना है दोस्तों। तो इस तरह से आपको इसे डो बना लेना है इसका, ये देखिए इस तरह से आप इसका डो बना लीजिए। थोड़ा दोस्तों इसमें नमक नमक मिलाना भी जरूरी है। नमक शायद मैं भूल गई थी, तो उसको मैं मिला लेती हूँ। नमक को
नमक तो सभी चीजों में मिलाना बहुत जरूरी दोस्तों होता है, खाना तभी अच्छा लगता है जब उसमें नमक आप मिलाएं। इस तरह से आपको मलना है दोस्तों। इसको इस तरह से आप मल लीजिए, थोड़ा इसमें पानी और मिला लीजिए। तो फिर सेव जो होते हैं दोस्तों बहुत गहरे से होते हैं, तो इसीलिए पानी थोड़ा और मिलाइए। इस तरह का ये डो आप बना के मतलब रख लीजिए। थोड़ा इसमें तेल लगाइए, दोस्तों देखिए तैयार हो गया कड्डू। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस बर्तन में आपको रखना है, ऐसे साफ बर्तन रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप एक कढ़ाई ले लीजिए, जैसे मैंने ली है, देखिए दोस्तों मैंने एक कढ़ाई ले ली है, लोहे की है, और इसमें ज्यादा ही लोहे के तत्व आ जाते हैं इसमें दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, ये दोस्तों गर्म हो रही है कढ़ाई, फिर आपको एक ये ले लेना है दोस्तों, इस तरह से एक जाली आती, जाली वाली आती है वो लेनी है। फिर आप इसको इसमें से तेल लगा लीजिए, इसमें देखिए इस तरह से, इस तरह मैं तेल लगा रही हूँ, इस तरह से आप इसको लगा दोस्तों। ये डो जो मैंने बनाया है ना, ये जो बाजरे का डो बनाया है, इसको आपको इस तरह से कर लेना है, इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद इसमें आपको भरना है, नीचे तक भर दीजिए इसे इस तरह से। फिर आप इसको क्या करेंगे, कढ़ाई आपकी जो गर्म हो जाएगी तो इसमें आपको तेल डालना है। पानी बिल्कुल कढ़ाई में नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर इसमें आपको तेल डालना है, तेल डाल दीजिए इसमें आप। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब इसके बाद आपको इसमें ये देखिए इस तरह से आपको इसको दोस्तों इस तरह से करना है।
ये इस तरह से आपको लॉक कर देना है, इसको मतलब बंद कर देना है, तभी अच्छे तरह से लॉक होने के बाद ही आपके जो है दोस्तों सेव बनते हैं। और ये इस तरह से आपको बनाना है। देखिए दोस्तों ये बने डाल दिए, ये बने ये डाल दिए। ये बने ये डाल दिए, 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 ये बने ये डाल दिए। फिर इसको आप थोड़ा रखिए और ये बनने दीजिए। दोस्तों इस तरह से आपके पास ये जावा सा होगा, इससे आपको पलटना है इसे। बहुत ही दोस्तों मजेदार बनते हैं। अब जब चाय पियेंगे तो आपको देखिए खुद ही, और इसको टेस्ट करके देखिएगा, आपके लिए इतने स्वादिष्ट लगेंगे आपको। इसकी पहचान दोस्तों ये, अगर ये बन जाते हैं तो ये देखिए इस तरह से, जैसे तेल जो होता है खरखराना सा बंद कर देता है, और ये बन जाते हैं। देखिए ध्यान आपको इसी के ऊपर ही देना पड़ेगा, जैसे आप बना रहे हैं तो ध्यान इसी पर ही आपको दीजिए। और जाड़े में बनाते हैं दोस्तों, ये पूरा जाड़ा आप खा लें तो आपको जैसे जाड़ा लगता ही नहीं है दोस्तों, इस तरह के हो जाते हैं ये। और बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा ही दोस्तों टेस्टी होते हैं, लगते हैं उन्हें, बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है ये। देखिए इस तरह से बनाइए, और की आँच कर दीजिए, तेज आँच हो गई है आपकी तो इसको हल्की कर दीजिए आप इस तरह से। देखिए दोस्तों कितने कुरकुरे से बने हैं ये, इसको देखिएगा, देखिए कितने कुरकुरे से बने हैं। बहुत ही जब ठंडे जाएंगे तो बहुत कुरकुरे हो जाएंगे ये दोस्तों, बाजरे के सेव हैं, और जो हमारी सेहत के लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और जब हम इसको जाड़े में आप दोस्तों खाते हैं ना, तो ये जाड़े में तो बहुत ज्यादा आपको ठंड भी नहीं लगती है इससे। दोस्तों आपको मेरी जानकारी आशा करती हूँ बहुत पसंद आई होगी, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।